हमारी फनाटिक जाती है, कहाँ पे सोल, कहाँ पे आईएनडी। सो वेलकम स्पार्की भाई। तो रोटेशन जो हमेशा रहता है हर एक स्क्वाड का, वो क्या सेम रोटेशन मारता है या रोटेशन चेंज करता है उसके ऊपर वो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑफ द मैच मतलब टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है। ये 10 नंबर मैच है, 9 मैचेस हो चुके हैं। फ्लाइट पैथ जो है वो जॉर्जो से निकल कर आई थी नोवो पर जा रही है। ये मेरा फेवरेट फ्लाइट पैथ है, ये मेरा फेवरेट फ्लाइट पैथ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्लासिक मैच के लिए जस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर आप जॉर्ज कंटेनर भी मिलता है, हॉट ड्रॉप जो होता है क्लासिक में, फिर अप्रोचिंग की भी मिल जाता है, फिर मिलिट्री भी मिल जाता है, फिर नोबो भी मिल जाता है। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे जो एंटिटी का मेरे ख्याल से जो स्पॉट है वो थोड़ा सा दूर रहेगा, बट एंटिटी गेमिंग इज ड्रॉपिंग इन टू दोज वेस्टर्न जॉर्ज पुल अपार्टमेंट्स आई थिंक। ये हाँ वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बट अगर आप देखो तो INS वही गट का स्प्लिट वहाँ पे वो लोग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। यहाँ पे फिर से अगर देख लो सिनर्जी का स्क्वाड भी वही सेम क्वेरी का आसपास वो लोग इंडिविजुअल कंपाउंड में स्प्लिट होकर लूटना पसंद करते हैं, बट गॉड लाइक वो लोग फार्म स्प्लिट या तो फिर मिल्टा के आसपास जाएंगे। एंड ETG ब्रॉलर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। क्या यहाँ पे कोई एक प्लेयर इनिशियल एग्जिट लेगा फ्रॉम ETG ब्रॉलर्स और यहाँ पे गॉड लाइक से, बिकॉज सेम काइंड ऑफ ही उनका ड्रॉप रहता है यहाँ पे। इनफिनिटी यहाँ पे फिर से मिलिट्री बेस की तरफ नजर डाल रही है। इस बार ORB ने अपना रोटेशन चेंज किया, ड्रॉप लोकेशन वो लोग कोचिंग की जगह नॉर्थ जॉर्जिया सिटी गए हैं, उन लोगों के पास एलिमेंट्रिक्स भी उतर था। एलिमेंट्रिक्स लास्ट मैच पे, लास्ट मतलब एरेंगल पे वो लोग गए थे प्री मॉक्स पे, लेकिन इस बार दो टीम्स नॉर्थ जॉर्जिया सिटी गए तो वहां पर फाइट हो सकता है। एग्जैक्टली, ORB है वहाँ पे और एलिमेंट्रिक्स भी है, और मेगा का स्क्वाड अभी अभी एंड फाइनल बॉस वो लोग अभी भी कोई प्रॉपर अपार्टमेंट्स की साइड पे नहीं गए। मेरे ख्याल से वो लोग सेवरनी पे लूटेंगे एंड वहाँ से फिर लोग यसनाया वाले ब्रिज से, तो वो पेट्रोल पंप वाले ब्रिज से वो लोग एंट्री लेंगे सर्कल में। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे रजॉक के आसपास अगर आप देखो तो जेड का स्क्वाड वहाँ पे लूट रहा है एंड MIM रेड्स एंड वो लोग स्कूल अपार्टमेंट्स लूट रहे हैं। एंड सोल का स्क्वाड ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो ड्रॉप लोकेशन वो चेंज करे, अभी भी वो लोग पैराशूट में। बाय द वे यहाँ पर एक चीज देख के खराब लगता है कि पोचिंग की खाड़ी लग गया, मतलब अब यहाँ पे देखो कौन सी टीम, अब देखो ना इजी हो जाएगा यहाँ पे एंट्री करना INS के लिए, INT के लिए एंड सिनर्जी गेमिंग के लिए, बिकॉज पोचिंग की खाली तो वहाँ पे जैसे कहते हैं वहाँ पे आराम से कोई टीम मिलेगी नहीं उन्हें। इधर सिनर्जी INS एंड INT के जो टीम है को भागने में इशू होगा तो वो क्रिकेट में होगा क्या, मतलब कितना ज्यादा स्प्लिट है यहाँ पर, अगर एक भी बंदा किसी ऑफ गार्ड पकड़ जाता है दूसरे वाली टीम से किसी को पढ़ने में इशू होगा, INT करेगा क्या। सिनर्जी का रोटेशन हम लोग कल से जो देख पा रहे हैं, दो रोटेशन यूज कर रहे हैं, बोलने में इशू का इशू क्यों होगा जा रहा, तो लिपॉप का जो लोग फर्स्ट प्रेफर पोजीशन है वहां जाते हैं, नहीं तो अगर लिपॉप को ज्यादा दूर जा रहे हैं ये रोटेशन कर रहे हैं। सेम रोटेशन NTT का भी है, NTT भी अश्ना जाते हैं मेन रोटेशन सेकंड, वो लोग साउथ जॉर्जिया सिटी। वैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो नेपाली होनी का स्क्वाड अच्छा खासा उल्टा उतरा है यहाँ पे मिल्टा पावर के आसपास, बिकॉज वो राइट हैंड साइड की रोटेशन है उनके, वो कोई भी नहीं काट सकता। प्रिजन खाली है, लिपोव का खाली है, मेंशन भी खाली है, क्योंकि वो लेफ्ट तो जाएंगे नहीं, बिकॉज उनको पता है यहाँ पे मिल्टा सिटी में गॉड लाइक उतरती है, तो राइट हैंड साइड से इजीली वो आराम से लूट करके निकल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जेड के आसपास यहाँ पे MIM का स्क्वाड है, फाइट देखी जा सकती है, बट सोल वाइपर मॉर्टल क्लच गॉड ये लोग रेगल्टॉस ये सारे के सारे आराम से स्प्लिट होके उतरे हैं, क्लच कॉर्ड यहाँ पे व्हीकल से जा रहे हैं। तो ये गेम होना चाहिए एंटिटी का। यहाँ पर महम का स्क्वाड जो है वो लोग मतलब स्कूल एंड स्कूल एप्स होना चाहिए, बहुत जल्दी रॉजर की तरफ पुश करती है, लेकिन इस मैप पे मैं एक चीज तेरे को बोलना आपको बोलना चाहता हूँ कि यशनाया खाली है। अगर यशनाया पे जोन बनता है, अगर कोई स्क्वाड स्टार्टिंग में फाइट भी ले लेता है उन लोगों का हेलमेट बेस डैमेज भी हो जाता है, तब वो लोग जब यशनाया जाएंगे उन लोगों का नया लोड भी मिलेगा। यशनाया की अगर मैं बात करूँ तो NTT गेमिंग बहुत अच्छे से जानती है वो यशनाया को, बिकॉज वहाँ के जो अपार्टमेंट है कैसे खेलने सारी चीजें उनको पता है। बट यहाँ पे सोल का स्क्वाड पहले ही वहाँ पे जाके पोजिशन लेना चाहता है वहाँ पे, यशनाया की सिटी कोई छोटी नहीं है, वहाँ पे दो तीन टीम्स वहाँ पे आराम से कंपाउंड होल्ड कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ सोल इज हेडिंग टुवर्ड्स यसनाया पोलाना अपार्टमेंट्स एंड वहां पे वो बहुत टाइम तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज कोई टीम नहीं है, सर्कल भी वहां पे रहेगा, लूट भी अच्छी खासी मिल जाएगी उन्हें। यहां पर फिनाटिक का स्क्वाड एज यूजुअल अपने फेवरेट पोजीशन जो है उन लोगों का मिलिट्री वहां पर लूट कर दिया। लास्ट मैच स्काउट ने जो खेला भाई बहुत ही सही खेला, जब 0-D के स्क्वाड के ऊपर चलेंगे तो वो लोग लूट कर रहे हैं रॉजोक जो वो लोग का रोटेशन रहता है। इधर गॉड को अभी तक हेलमेट नहीं मिला जो मुश्किल हो सकता है उसके लिए, लेकिन हेलमेट अभी तक तो स्टार्टिंग का लूट है, मिल जाएगा। हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट मैप के अंदर आ चुके, मतलब मैच शुरू हो चुका है एंड उधर मैप पे मैं देख पा रहा हूँ
महम रेड्स के बहुत पास इधर सूर्या है, तो इधर फाइट हो सकते हैं केतन। एग्जैक्टली यहाँ पे सूर्या अकेले हैं एंड बाकी पूरा ये पूरा स्क्वाड इनका रोजॉक वाली सिटी में। यहाँ पे बानाउस के पीछे वो डासिया अपनी लेके निकल रहे हैं, उनको पता है कि रेड्स वहाँ पे आसपास आ चुके थे एंड सूर्या यहाँ पे बानाउस पे जस्ट एक लूट करने के लिए थे, बिकॉज रोजॉक पे इतनी सफिशियंट कभी कभी लूट नहीं होती है। एंड सूर्या ने सोचा कि चलो थोड़ा स्प्लिट जाके, थोड़ा रिस्क था वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे जो स्कूल के आसपास जो टीम महम उतरती है वो हमेशा चेक करती है अपार्टमेंट्स, स्कूल मेन बिल्डिंग एंड वो जो कंपाउंड जहाँ पे सूर्या था। जीरो डिग्री की अगर बात किया जाए, जीरो डिग्री अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में सेकंड है, एक भी चिकन डिनर नहीं है जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर विदाउट चिकन में अगर आप टॉप टू पे अगर हो सिर्फ स्किल्स के बेसिस में, तो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। अगर आप ये चिकन में कन्वर्ट करते हो मेरे ख्याल से आप You are one of the best for sure. Yes, 59 kills निकाल चुके हैं, 11,800 damage कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा damage कर रहे हैं। जितना मैच में देख पा रहा हूँ backstage बैठ के और cast करते हुए, हर एक मैच में ये लोग रुक नहीं रहे, direct back to back push कर रहे हैं कि एक दो knock and they are pushing. एग्जैक्टली अगर हम जीरो डिग्री की बात करें तो आगे आने वाले टाइम पे इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस गेमिंग करियर में। एक दो लोग जिस तरीके से इन लोगों ने स्टार्ट करा है, यहाँ पे मॉडल को देख सकते हो, यहाँ पे प्रिजन के जो एक जो यसनाया में एक जो प्रिजन बिल्डिंग है 5 स्टोरी वहाँ पे वो थे, बट वहाँ पे लूट करके निकल चुके। अच्छा तो क्लच गॉड ने बनाया ट्राइंग टू स्टिक टुगेदर एंड वहाँ पे यसनाया सिटी का नया मॉडल थोड़ा सा अलग से एज अ फर्स्ट सजेस्टेड बाय क्लच गॉड कर रहा है, बिकॉज़ क्या पता वहां इसीलिए अलग लूट मिल जाए वहां पे। सोल का ओवरऑल पोजीशन अभी 6 है, 9 हेडशॉट कर चुका है ये लोग, 8000 डैमेज कर चुके हैं, 42 किल्स। तो सोल जो कल खेल रहा था आज उन लोग उससे अच्छा खेल रहा है एंड कंसिस्टेंट खेल रहा है जो सबसे मेन चीज है। हर एक मैच में अच्छे खासे टोटल ओवरऑल पॉइंट्स लेके जा रहे हैं जो बहुत सही है, क्योंकि टॉप 5 आने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे पोजीशन 6 है उनकी एंड डैमेज देखो तो 8050 का डैमेज है इनका ओवरऑल। एंड यसनाया की साइड पर अगर आप बात करें तो जोन भी वहीं का कटा है, इन्होंने एक अच्छी पोजीशन ले ली है सर्कल की बात करें। अगर नीचे गया तो भी फिर भी इनके पास व्हीकल अच्छी रहेंगी, इनके पास लूट एक जो इनिशियल लूट होनी चाहिए कोई भी एक टीम के पास वो बहुत अच्छी है। एंड अगर नीचे देखें तो फनाटिक रौनक हमारे पास एक जो मैप की अगर हम बात करें आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अकेले हैं बट यहाँ पे ट्रस्ट द प्रोसेस का उत्साह का है सामने और डोकू डोकू है सामने वाले पेट्रोल पंप की साइड पे। तो ये नोवो के ब्रिज की हम बात करें, रौनक अकेले, बाकी देखते हैं पीछे से। ओके तो रौनक की एक अच्छी चीज यहाँ पे ये भी कि उसने अभी तक कोई शॉट नहीं लिया है, बाकी डोकू डोकू भी यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे अकेले, मेरी ख्याल से यहाँ पे शॉट ले सकते थे, बट एक अच्छी चीज भी थी थोड़ा पेशेंटली वेट करें ताकि ओवेस स्काउट एंड परितोष उनके पास आ जाए। नहीं यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, तूने जो बोला वो बहुत सही है, लेकिन उसने डोकू डोकू को स्पॉट नहीं किया था रस्ते के टाइम पे, वो उस सरका के ऊपर एडीएस खोल के बैठा था एंड उसके कारण बच गया, नहीं तो वहाँ पर डोकू डोकू ओपन रोड पे नॉकआउट हो सकता था। रौनक का स्प्रे जो है, हर एक बंदे का स्प्रे जो होता है वो बहुत ही लेजर होता है इस पोजीशन में। एग्जैक्टली बट यहाँ पे देखो तो उत्सार का एंड डोकडो पीछे से वो अपनी फनाटिक के बाकी सारे प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू स्लैम इन ओवर देयर बिकॉज़ अकेला बंदा है वहाँ पे डोकडोगू एंड अकेले ही यहाँ पे उसको फाइट लेनी पड़ेगी। पूरे 3 प्लेयर्स जो फनाटिक है यहाँ पे, ओवरऑल योलो रश हो रहा है यहाँ पे एंड डोकडोगू हैज बीन नॉक्ड ओवर, अभी भी बच्चा मेरे ख्याल से बट जो यहाँ पे टीडीपी ने पीछे से कवर फायर भी दिया, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। ओवेस को यहाँ पे मिल चुका है रेव, अभी थोड़ा सा गेम पे स्लो करेंगे टीडीपी, फनाटिक को भी अब थोड़ा सा पोजीशन देखनी पड़ेगी इनकी। यस एंड टीडीपी के रिमेनिंग टीमर्स इन लोगों का बैकअप के लिए आएंगे, थोड़ा अलग एंगल से आ सकते हैं। डोकू डोकू ने बहुत सही किया है स्मोक करके एंड यहाँ पर पूछा था डोकू डोकू को ऊपर एंड होल्ड करके रखा है, नेट कर रहा है स्काउट, इस नेट से डैमेज नहीं खाया गया यहाँ पर डोकू डोकू, अकेले बंदा है, 3 बंदे है, एक साथ तो डोकू डोकू यहाँ पर डाउन हो सकते हैं। एग्जैक्टली बट डोकू डोकू भी वहाँ पे टीवी भी दे रहे, ज्यादा तो एक बंदा नॉक हो सकता है बट पीछे जो एक सपोर्ट आएगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे टीडीपी और प्लेयर्स यहाँ पे क्लोज इन कर चुके, स्काउट थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बनाने की कोशिश कर रहे, परितोष यहाँ पे स्टेज पे फंस चुके, टीडीपी के प्लेयर ऊपर आते हुए परितोष यहाँ पे पहला नॉक होते हुए एंड देखते स्काउट को भी वापस आना पड़ेगा इस वाली बिल्डिंग में, परितोष हैज बीन नॉकड आउट ओवर देयर। बट यहाँ पे ट्रेड फायर आया था, वहाँ पे शगर को नॉक डाउन करा एंड दूसरी साइड पे डोकू डोकू आता हुआ ऊपर से टेरेस पे, 2 प्लेयर यहाँ पे टीडीपी के नॉक डाउन है एंड एक और प्लेयर आता जो
जो ओएस ने खेला बहुत सही था, वो लिटरली 1v3 कर रहे हैं इस पोजीशन में। और मैं जब पुश आया परितोष नॉकआउट हो गया, ओएस अकेला था, स्काउट बहुत पीछे था, रॉनर बहुत पीछे था, वहां पर अगर ओएस भी नॉकआउट हो जाता तो यहां पर फनेटिक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उस शार का जिस पोजीशन में उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इसका पोजीशन ऑलरेडी पता है फनेटिक के लिए। फनेटिक यहां पर गाड़ी लेकर पीछे की तरफ से जा सकता है एंड दो बंदे यहां से एडीएस खोल के क्लियर आउट कर सकते हैं। बट यहां पे उत्सार का भी फॉल बैक नहीं कर सकता, बिकॉज पेट्रोल पंप के पीछे एक जो फेंस वाली जो एक वॉल रहती है उसके पीछे भी अगर आप देखो तो हायर रेज है, तो उस रिज के ऊपर चढ़ेंगे तो इजीली फनेटिक वहां पर उनको स्पॉट कर सकती है। अब ये कि जितना देर होल्ड कर सकते, थोड़ा पेशेंट लेवल दिखाओ, क्या पता आप मेरे ख्याल से मुश्किल है फॉर शॉर्ट 1v3 करना। बट अभी मेगा का स्क्वाड फाइट ले रहे हैं नेपाली होनी के स्क्वाड से, एंड वो लोग उतरे थे वहां पे मिल्टा पावर के आसपास अगर आप देखो तो, एंड वो धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है जोन यसनाया पे, नहीं तो सोल को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। मैप की अगर हम बात करें तो ईटीजी ब्रॉलर आइकॉनिक और उनका स्क्वाड है जोन के सेंटर में, काइंड ऑफ मेहम ने भी रोटेशन डाल दिए, एंड एंटिटी नियो जॉनथन देयर फुल स्क्वाड इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम इन देयर फोर मैन स्क्वाड। एंड ओके तो ये ओपन में फाइट होती है टीम नंबर 4 दैट इज आरआईपी वर्सेस ईटीजी ब्रॉलर। थोड़ा सा दूर जाते हुए यहाँ पे आरआईपी का स्क्वाड एंड यहाँ पे क्लोज इन एनकाउंटर एंड फिनिश करने के लिए आते हैं। यहाँ पे उत्सारगढ़ ने थोड़ा सा एक प्री नेड करने की कोशिश करी थी एंड ही विल गेट स्पॉटेड फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज ओएस आ रहे पीछे से, रौनक आ रहे सामने से, एक पीछे से मिड रेंज से कवर दे रहे हैं एंड क्लोज एनकाउंटर के दो बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए एंड टीम नंबर 30 दैट इज ट्रस्ट द प्रोसेस उत्सारगढ़ यहाँ पे फिनिश होते हुए एंड दे हैव गॉट 16 पोजीशन इन दिस मैच विद दैट वन ओनली सर्वाइवल पॉइंट। फिनेटिक लास्ट मैच में जो छोड़ के एक बंदा भी गलत खोल कर रहे हैं, चार किल स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड हीलिंग्स देखो बहुत ज्यादा हीलिंग्स है इन लोगों के पास, अच्छा खासा रोटेशन मार सकता है। अभी जस्ट सेकंड जो शुरू हो रहा है, अभी ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ब्रिज पे कोई बंदे नहीं है। इधर महम को क्लोक को आरआईपी टीम पे नॉक आउट कर चुका पीछे से, तो इधर महम का जो स्क्वाड है वो आरआईपी लेजेंड डायरेक्ट स्लैमिंग करने की कोशिश कर रहा है एंड लेजेंड का ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा उसको कंफ्यूज करने के लिए बैठा हुआ है, इसके कारण महम वैम्पायर को वहां पर पीछे से रिट्रीट करना पड़ा। लेकिन आरआईपी आर पुशिंग यहां पर पूरा, मतलब एक नॉक के बाद हर एक स्क्वाड के में से यहां पर पुश देखने को मिल रहा है। वैम्पायर यहां पर ओपन में बैठे हैं, उधर एके यहां पर क्या वो नॉक कर पाएगा, बहुत मुश्किल है उसका पोजीशन। अब यहां से अगर वो पीछे से जाता भी है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल अगर अंदर करके मार दे, सो नारुतो भी है सामने, अब वो देखते हैं मेरे ख्याल अगर अंदर भी आया स्ट्रेट है। ओके वैम्पायर गॉट नॉक डाउन, एमआईएम यहां पे दिक्कत आती है, इसके का फ्री फायर यहां पे नारुतो ने यहां पे नॉक डाउन कर दिया है वापस से इसके को। सो एमआईएम के दो प्लेयर्स बचे हुए, बस दो प्लेयर नॉक डाउन है एंड थर्ड प्लेयर आल्सो इज गेटिंग नॉक डाउन। सो पूरा स्क्वाड एमआईएम का फिनिश होता हुआ, आरआईपी का एग्रेसिव पुश फिर से यहां पे जारी है इस वाले मैच में। इरांगल में मेरे ख्याल स्टार्टिंग से ही फाइट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं जोन कहां पे श्रिंक इन होता है बिकॉज सारी टीम्स की रोटेशन अब यहाँ पे ओके सो मिल्टा के ऊपर गिर रहा है, तो गॉडल को बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं पड़ी है। फार्म स्प्लिट उन लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैटेजी उन्होंने फिर से वही फॉलो करी थी एंड वहीं पे जोन बनता जा रहा है। They don't have to जीरो डिग्री की अगर हम बात करें तो हमेशा जहां पे भी स्क्वाड की फाइट हो रही है किसी भी स्क्वाड की, वहां पे घुसते हैं एंड डर नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है कोई भी फाइट से। लेकिन यहाँ से रिट्रीट कर दिया क्योंकि उन लोगों ने स्पॉट कर चुका है कि 300 मीटर दूर जोन है, तो जोन के बाहर इन नेसेसरी 20 सेकंड बचे हुए, अगर आपका भी कोई प्लेयर नॉक होगा तो फालतू में आपको डैमेज पड़ेगा। वो एकदम सही सोच है एंड अभी सबके सब स्क्वाड रोटेशन मारेगा जोन के अंदर। जैसे हम लोग मिनी मैप पे देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 स्क्वाड सेंटर ऑफ द जोन है, रिमेनिंग 10 स्क्वाड को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। सब स्क्वाड अभी रोटेशन मार रहे हैं, सामने ओआरबी का स्क्वाड हम लोग देख पा रहे हैं, पास में आरआईपी का स्क्वाड। आरआईपी यहां पर बहुत ही सही पुश किया था, बहुत ही ज्यादा सही, वहां पर नारुतो ने बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया। एंड एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, केतन कल जो हम लोगों ने कास्ट किया था विकेंडी का मैच, उस पे भी बहुत ज्यादा रस देखने को मिला है, आज भी बहुत ज्यादा रस देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। एग्जैक्टली बट अब जोन यहाँ पे श्रिंक इन हो रहा है, फोर्थ फेज बनेगा इसके बाद एंड आईएनएस के पास एक अच्छी पोजीशन है। अगर आप सेंटर में हो इरांगल में एंड आपके पास कंपाउंड भी है तो मेरे ख्याल से यू आर इन द रूलिंग वन। ओके तो यहाँ पे ईटीजी ब्रॉलर भी वो भी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर कंपाउंड की तरफ जाए, बट वहाँ पे ओके आरआईपी की यहाँ पे कोलिजन होता हुआ नजर आ रहा है पान सिंह के साथ एंड राइट साइड से फनाटिक भी क्लोजिंग कर रही है यहाँ पे। बट देखते हैं फाइट यहाँ पे जेड पान सिंह की, जैसे मैंने पहले बोला आरआईपी का नारुतो सामने से निकल गया बट एक भी बुलेट वहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बट लेट्स सी कैसे जेड का ये पान सिंह यहाँ से निकलता है बिकॉज ये सिचुएशन उनके लिए दिक्कत ला सकती है। डार्क ने बहुत अच्छे सिंगल टैप से वहाँ पे M16A4 के कनेक्ट करे, अब बाकी सूर्य आ चुका है यहाँ पे उनको रिवाइव देने के लिए। देखते हैं यहाँ पे ईटीजी ब्रॉलर की एक स्ट्रैटेजी है कि अगर वो नॉक करते हैं, पहले क्या होता था प्लेन्स में नॉक
एंड वहां पर रश, अब वहां पे वो थोड़ी सी देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज यहाँ पे अब सारी टीमें ट्राई आउट करें और ऊपर से जेड का स्क्वाड है जो कि क्लोज एनकाउंटर मेरे ख्याल से दिक्कत दे सकता है कोई भी स्क्वाड को, बट ईटीजी ब्रॉलर डार्क का वो सिंगल टैप काबिल तारीफ बहुत सही था। एंड इधर जीरो डीटी के रिमेनिंग दो बंदे दो अलग जगह पर थे तो वो लोग अगर पुश करते तो अपर हैंड हो सकता है क्योंकि सूर्या वहां पर अकेले बंदे थे, लेकिन थोड़ी उन लोगों ने थोड़ी पता होगा कि कितने बंदे हैं उस पोजीशन पे। आईएनटी के पास अच्छा खासा पोजीशन है, वो लोग थोड़ा और एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 19 वाले सेशन में लोग कितने बहुत सही एंगल वो लोग गरीब थे, बट अभी जोन क्लोज है ना एंड यहां पे क्या पता जोन बने भी ना अगला एंड रोटेशन डालनी पड़े तो उनको अपनी व्हीकल रेडी रखनी पड़ेगी। बट मेरी गलती ये है कि वो स्ट्राइक बॉलर्स के पास एक अच्छा पोजीशन है, उनके पास स्क्वाड हाउस है जहां पे कोई भी एक स्क्वाड इतना जल्दी पुश नहीं कर सकता क्लोज एनकाउंटर की बात करें तो। एंड सांगवान भी एज अ फ्लोटर उनका दूसरे वाले कंपाउंड में बैठा हुआ तो मेरी गलती ईटीजी ब्रॉलर अभी देखो राइट पोजीशन ओवर देयर देखते कितना डीप जा पाते हैं इस वाले मैच में वो लोग एंड चारों प्लेयर्स इनके जिंदा है सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर देम। बट यहां पे इनसीडियस के ऊपर आरएबी के ऊपर जोन बिल्कुल ही उन्हीं ऊपर मंदिर है कि डस्टेड इस वाले और तीसरे एयर ड्रॉप पे कौन सी टीम जीत रही है ये नहीं बताऊंगा बट मुझे पता लग गया है उसके साथ बैक भी है। अगर जोन के ऊपर देखोगे तो आयन इसके पास बहुत ही प्यारा पोजीशन है, आरआईपी के पास थोड़ा हाई रीच है एंड गॉडलेक जो बैक आके मिलता पे आए थे उन लोगों के पास भी अभी के लिए कवर है, लेकिन आई थिंक गॉडलेक यहां से रोटेशन मार देगा एंड ईटीजी ब्रॉलर सामने से रोटेशन कर रहा है चारों अलग अलग गाड़ी में यहाँ से रोटेशन मार रहे हैं। सांगवान यहाँ पे रुक चुका है बिकॉज मैड डॉग ने थोड़ा बहुत स्प्रे डाला था, अब देखते चारों अलग अलग गाड़ी में दैट इज कोई भी दो प्लेयर यहाँ पे इकट्ठे नहीं मरेंगे, कोई भी एक नॉकडाउन होगा तो कोई भी एक प्लेयर होगा। सांगवान के ऊपर यहाँ पे स्प्रे डालते हुए मेरी ख्याल से उनकी बग्गी का टायर यहाँ पे पंचर हो चुका है एंड दैट्स व्हाई उनकी स्पीड इतनी नहीं है एंड बग्गी ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्स्ट होने की कगार पे है। यहाँ सामने से एक टीम नंबर टू भी गई है, ब्रॉलर सांगवान चोज टू मूव बाय हिज ओके तो यहाँ पे वो वॉक डाउन करने की कोशिश कर रहा बट यहाँ पे फिर से जोकर जो कि वहाँ पे इंसीडियस टीम थी वहाँ पे उनको पकड़ लिया एंड फिनिश करेंगे फॉर श्योर सिंगल टैप और वो किल स्टील हो सकता है मेरे ख्याल से जो वहाँ पे मैड डॉग सिंगल टैप ले रहे थे एंड ही स्टोल द किल। जोकर को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए थोड़ा दूसरा एंगल से उसको फिनिश करने की। उधर मेगा वैक्सीन उधर सिनर्जी सिर्फी को नॉकआउट कर चुका है, मैं वो बात तेरे को ऐड करना चाहता हूं। सोल का स्क्वाड इधर सिनर्जी श्राइडर के ऊपर पुश किया, इधर आरआईपी का लेजेंड भी है सोल भी यहां पर पूरा पुश करते हुए एंड इधर आरआईपी लेजेंड अकेले बंदे बचे। अगर पूरा सोल का स्क्वाड ऊपर चलता है तो एक ही साथ उधर क्लियर आउट हो सकता है, लेकिन क्लच गॉड ने बहुत सही डिसीजन लगाया यहां पर एक नेट कर रहा है, इस नेट से शायद ही वो नॉकआउट हो सकता है। यस बहुत ही प्यारा नेट, क्या ग्रेनेड था ये वाला क्लच गॉड का। यहां पे क्लोज यहां पे मिड रेंज से भी थर्ड पार्टी करने की कोशिश चल रही है आरएपी स्काई की विद दैट एम4 ओके थर्ड पार्टी हो रहे हैं यहां पे क्लच गॉड ने फिनिश करा। यहाँ पर बहुत ही सही पोजीशन आ चुका है अभी सोल के लिए, पीछे सिनर्जी का स्क्वाड है वो डैमेज दे सकती है। उधर जीरो डिग्री के पान सिंह ने आईनी कैटोस को वहां पर नॉकआउट कर चुका है, आरआईपी स्काई एंड टेम्पेस्ट अभी उस पोजीशन होल्ड करेगा वहां से वो लोग रिट्रीट नहीं करेंगे। सिनर्जी के स्क्वाड को अगर देखोगे तो मेगा स्क्वाड उधर उन लोगों के पास है, सूर्या ने उधर आईनी क्रेटोस को एक नेट से पूरा पिक ऑफ कर चुका है तो आईएनडी वर्सेस जीरो डिग्री वहां पर हो रहा है शायद। एंड उधर ओआरबी का स्क्वाड को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा मेगा स्टार्स के पास एंड आरआईपी नाउटो वहां पर वो शायद से निकल नहीं सकता, अब वो पिन करके बैठे हुए हैं सोल के प्लेयर्स एंड वहां पे डासे के टायर्स भी बर्स्ट इन कर देंगे एंड ट्राई कर रहे हैं यहां पे सोल के मॉडल। अब देखते हैं वो पहले यहाँ पे बहुत दिनों बाद देख रहे हैं कि वो बोल्ट एक्शन चला रहे हैं, बाकी देखते हैं आरआईपी टेम्पेस्ट यहाँ पे डीपी के साथ रेडी है ओके okay, बाकी देखते हैं नॉर्दर्न साइड पे ये सारी टीम्स फाइट ले रही है। बट अगर सदर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आईएनडी का स्क्वाड नीचे लड़ रहा है एंड ईटीजी ब्रॉलर नोवा ने यहाँ पे ओआरबी के प्लेयर को पिक ऑफ करा है, ईटीजी ब्रॉलर्स हैज बीन एलिमिनेटेड बिकॉज वहाँ पे मैक्स कश ने नोवा को आखिरी में पिक ऑफ करा तो ईटीजी ब्रॉलर्स की यहाँ पे थोड़ी सी जर्नी डगमगाती हुई, देखते हैं यहाँ से वो कमबैक कैसे करते हैं बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज सारी टीम्स यहाँ पे ट्राई आउट कर रही है विद दोस सर्वाइवल पॉइंट्स एंड दोस स्किल पॉइंट्स। क्लच स्क्वाड को नॉकडाउन करते हुए मेगा के वीक, अब देखते हैं स्मोकी ने वहाँ पे सिंगल टैप से एक और प्लेयर को वहाँ पे नॉकडाउन करा। बाकी अगर पॉइंट्स के अगर हम बात करें किल पॉइंट्स की तो फनाटिक सबसे ऊपर है विद दोस 4 किल्स, आरआईपी ऑफिशियल्स भी यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड है उनके पास भी 4 किल्स है एंड सोल के पास 2 है, मेगा स्टार्स के पास 3 है, जीरो डिग्री पास 1 है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अब 4 बंदे जो बचे हैं जिन जिस स्क्वाड का 4 बंदे बचे हैं वो लास्ट में अच्छे खासे किल्स निकाल सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जोन कहां काटता है, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों स्क्वाड उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा एंड जोन इन लोगों के ऊपर ही बन चुका है, सेंटर ऑफ द जोन पे है इधर आईएनएस एंड ओआरबी रिमेनिंग, इधर 11 स्क्वाड को जोन के अंदर आना पड़ेगा, अभी बहुत ज्यादा मुश्किल एंड बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है भाई मेरे ख्याल से। तो आईएनएस के ऊपर
जोन इतना मेहरबान, उनको उन बंदों को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी वो स्क्वाड हाउस से, एंड ओआरबी का स्क्वाड भी उनके आसपास है, देखते कितना डीप जा पाते वो लोग इस वाले मैच के। बट सोल का भी टीम मेरे ख्याल से पूरे प्लेयर्स अलाइव एंड विद दोस टू टीम गर्ल्स, इनको भी मूव रोटेशन डालनी पड़ेगी बिकॉज आरएबी का स्क्वाड मेरे ख्याल से एक दीवार बन के खड़ा हुआ है इनको जोन के अंदर जाने से। वाइपर यहाँ पे ऑलरेडी मूव इन कर चुका है अकेले, वो वाले शेक के अंदर मेरे ख्याल से क्लोज इन कर दिया है उसने, एंड पीछे से मिड फायर देना पड़ेगा इनको। मॉडल भी ऊपर से M24 यहाँ पे चला रहे हैं, यहाँ पे एक टैग कर रहा है, एक बुलेट लगी है वहां पे उस वाले शेक के अंदर। नरूटो अपने आप को बचा के बैठे हुए वहां पे, आरएबी स्काई अगर पीक करेगा तो शायद से मॉडल के पास एक और चांस बनेगा। बाय द वे ही इज ट्राइंग टू मूविंग इनसाइड द सर्कल विद दैट बकी ओवर देयर, अब फाइट होती हुई नजर आएगी। एनटीटी कहां तक वहां पे नॉकडाउन होते हैं, बट यहां पे इंसीडियस के पास यहां पे फाइट आती हुई एनटीटी कहां तक फिनिश होते हुए, ये थर्ड पार्टी कर रहे हैं यहां पे आरएबी का स्क्वाड। अमन भी यहां पे नॉकडाउन होते हुए इंसीडियस के ट्रिगर ने नॉक एंड फिनिश करा जॉनेथन को। अब अमन और यहाँ पे नियो बचे हुए हैं, बाकी ओके आई थिंक एनटीटी गेमिंग हैज बीन एलिमिनेटेड। यस, एनटीटी गेमिंग एलिमिनेट हो चुका है। एनटीटी गेमिंग जो कल परफॉर्मेंस दिया था वो आज उन लोगों का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, जो मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो लोग अभी जो पोजीशन में है वो बहुत ज्यादा लीड पे है, लेकिन ऐसा होता रहा तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कम होती जाएगी वो बात में भी, एंड वो फर्स्ट टू पोजीशन सिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी 10 नंबर मैच चल रहा है, उधर क्लच गॉड ने आ रहा है, नाउट को नॉकआउट कर चुका है, एंड उधर ऑस्टिन एक्स को भी नॉकआउट कर चुका है। मॉडल का जो ग्रेनेड था वो यहाँ पे क्रिस्टल होता हुआ सिनर्जी के मेरे ख्याल से मेगा अल्फा ने, मेजर अल्फा ने वहाँ पे किल स्टील करा वाला, एंड अब हर साइड से यहाँ पे फनाटिक के प्लेयर्स को गोलियां पड़ेंगी। मेजर अल्फा हैज बीन स्पॉटेड ओवर देयर, सोल वाइपर यहाँ पे सिंगल टैप, यहाँ पे मेजर अल्फा प्रोन थे तो उनकी बुलेट्स ज्यादा कनेक्ट हुई वहाँ पे, क्लच गॉड ने यहाँ पे फिनिश करा मेजर अल्फा को। देखते हैं वाइपर को रेव मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे नेपाल होनी का स्पॉट सामने दिक्कत में आता हुआ, भले ही वो जोन के अंदर उनके पास कवर भी है बट स्मोकी उनको स्पॉट कर चुका था। आई थिंक दे विल गेट पिंड ओवर देयर, एंड जेड का स्क्वाड अभी भी जिंदा है, एंड मेरे ख्याल से उनके किल भी 5 या 6 से कम नहीं है। नहीं, एक किल है इस मैच में, ज्यादा किल्स नहीं निकाल पाए। क्लच गॉट बैक टू बैक डीपी से बंदे नॉक किए जा रहे हैं, एंटो ने यहाँ पर 5 सिंह को पूरा पिकअप कर चुका है, क्लच गॉट उधर आ रहा है, स्काई को पिकअप किया, एंड मॉडल उधर M24 क्या एक हिट शॉट दे पाएगा, डैमेज पड़ा, आई थिंक डैमेज पड़ा वो वाला शॉट का, एंड दलजीत भी वहां पे स्पॉटेड है, सो रैंडम शॉट्स क्या पता एक कनेक्ट हो जाए वहां पे, बट लेट्स सी कितना डीप जा पाता है। फनाटिक का एक प्लेयर यहाँ पे उनके साइड में एक ओवेस है जो यहाँ पे स्पॉटेड, आप देखते हैं क्या यहाँ पे प्रोन करके 2-3 प्लेयर को यहाँ पे नॉक करेगा। मॉर्टल है उनके सामने, ADS खोल के क्या नॉक करना पसंद करेंगे उन्हें, अब देखते हैं बिकॉज IGL ने अभी उनको नहीं बोला है नॉक करने के लिए, बट यहाँ पे अब उन दोनों ने शायद ओके मॉर्टल यहाँ पे मॉर्टल को स्पॉट कर चुका है सामने, क्या एक हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे वो। ओके एक लेग शॉट का ट्राई करा, लेग शॉट एक और कनेक्ट हुआ वहाँ पे, उस वाले बॉस टावर में। ओके सो फिर से डैमेज पड़ा है वहां पे, सो डैमेज यहाँ पे मॉर्टल कंसीड कर रहा है, बट एक हेडशॉट और एक नॉक इनको नहीं मिल रहा है। स्मोक बॉल से ये लोग पाथिंग बनाएंगे ये लोग जोन के अंदर जाने की, जो की अच्छी चीज है, एंड ईस्टर्न साइड से ये लोग एंट्री मारेंगे। ओवेस को ये लोग अभी भी स्पॉट नहीं कर पाए, बट ओवेस यहाँ पे 2 प्लेयर को नॉक एंड फिनिश करने की मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है इनकी। मॉडल बैठा अभी यूएस में, देखते कितना डीप जा पाते, बिकॉज मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे IGL रहेगा वो बोलेगा पोजिशन के लिए जाओ जितना जा सकते हो, लेकिन वो तो है मैटर करता है, लेकिन जिस पोजीशन में है अभी उस पोजीशन पे अगर आपका एक भी किल्स होता है, एक भी पोजीशन पे होता है, वो ऑलमोस्ट सेमी है। उधर 0° के ब्लेजी नॉकआउट हो चुका है, गॉड उधर एलिमिनेट हो चुका है, 0° के ऊपर एक ही बंदा बचा है, फिनेटिक के एक बंदा बचा है, एंड INDK के 2 बंदे बचे हैं, सोल के 4 बंदे बचे हैं, लेकिन एक बंदा नॉक पड़ा है, एलिमिनेटर्स के 4 बंदे, एंड ORB ने इस मैच में बहुत अच्छा कमबैक कर चुका है, 4 के 4 बंदे बचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन लोगों ने 7 किल्स निकाल चुका है। ओवेस का हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब 12 टीम्स अलाइव थी तब वहाँ पे वो अकेले थे, अब देखते कितना डीप जा पाते हैं। रिगल टॉस यहाँ पे ट्री के पीछे प्रोन ने, एंड पीछे स्मोक बॉल बना रहे ताकि वो प्लेयर भी आगे आ पाए थोड़ा, एंड कॉर्डल की टीम यहाँ पे पिन करके बैठी हुई, उनके पास एक कवर है, बाकी क्लच गॉड को यहाँ पे नॉकडाउन करा यहाँ पे दक्ष ने, अब देखते कितना यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रिगल्टॉस, और यहाँ पे एंटो को नॉकडाउन करा रिगल्टॉस बिकॉज वो स्पॉटेड नहीं थे उस वाले जोन में, यहाँ पे डार्क शॉट्स को नॉकडाउन दलजीत ने पीछे से बैकफायर करा उनको, एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, टॉप 7 टीम्स बची हुई हैं। अब फिनेटिक अभी एलिमिनेट हो चुका है, वो इसको इधर पिकअप कर दिया गया है, इधर टीम सोल के लिए मुश्किल पैदा हो चुका है, उधर रिगल्टॉस को पीछे जाना पड़ेगा अपने टीममेट को बचाने के, लेकिन क्लच गॉट इधर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मॉडल भी इधर पूरा कंप्लीट हो सकता है, एंड उधर 0° का स्क्वाड भी इधर एलिमिनेट हो चुकी है, एंड गाइस ने किल स्टील कर लिया।
वाला। यस, इधर मॉर्टल का किल, उधर दलजीत ने चोरी कर चुका, दलजीत को भी उधर माफिया ने क्लियर कर चुका। डाउन टू टॉप 5 स्कोर राइट नाउ, 16 बंदे बचे हैं। एंड गाइस ओआरबी गॉड लाइक आईएनएस सोल एंड एलिमेंट सिर्फ बचे हैं। मैड डॉग बहुत ही कमजोर से बच गया, लेकिन पीछे से जोकर ने आई मासिक मैड डॉग दोनों को नॉक आउट कर चुका है कैप्टन भाई। इंस्टेंट ये तीन नॉक हुए हैं। यहां पे आईएस देखते हैं क्या करता है, वो ऊपर आने की कोशिश, बट स्मोकी भी निकला। एंड यहां पे देखो ओआरबी के प्लेयर्स तीन बहुत ज्यादा दूर है। एंड ये ओआरबी मेरे ख्याल ये भाई अपने प्लेयर को फिनिश नहीं कर सकते, तुम यहां पे फ्रेंडली फायर नहीं है। बाकी देखते हैं जोकर भी ऊपर 1 एचपी है, बाकी देखिए राइट साइड से एलिमेंट्रिक्स है। और भी आयश मेरे ख्याल से अब पोजीशन के लिए जाएगा, ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा। एंड कॉर्डल का स्क्वाड चारों बंदे जिंदा है 6 किल्स के साथ, देखते हैं क्या ये चिकन डिनर निकाल दे। उनके पास अभी जोन नहीं है, मजे कैन उनको फिनिश करा वहां पे। और भी मजे मैड डॉग एलिमेंट्रेस ने किल चोरी कर दिया, तीनों के तीनों किल वहां पर एलिमेंट्रेस ने किल चोरी कर चुके हैं। एलिमेंट्रेस का मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहता हूं, एलिमेंट्रेस का जो पोजीशन था वहां पर उन लोगों का तीन बंदे नॉक पड़े थे, अकेले बंदा बचा था। रिगिल्टोस को पता भी नहीं चला वहां पे, गॉडल कीकी भी पीछे से आके कार पार्क करी। एंड वैसे कीकी को भी नहीं पता था वहां पे रिगिल्टोस बैठे, बाद में स्पॉट हुए। बाकी एंटो यहां पे नॉकडाउन होते हुए एंड कीकी भी विल गो एंड गिव हिम अ रिव। बाकी आयश स्मोक बॉल बना के मेरे ख्याल से बेस्ट चीज कर रहा है अपनी टीम को यहां पे टॉप 3 या टॉप 2 के अंदर लाने की। एंड एक स्प्रे डाला एलिमेंटर्स फिर से यहां पे फाइनल सर्कल में देखती हुई, नेपाल की स्क्वाड फिर से वापस आती हुई। देखते चारों प्लेयर जिंदा है, 6 किल्स है, कहां तक कितना डीप ये लोग इतने इस वाले मैच में जा सकते हैं। माफिया ने यहां पे नॉकडाउन करा एलिमेंटर्स के जूनियर को, मेरी गाल से बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर यहां पे नेपाल के हैं वो। यहां पर जो सिचुएशन है एक भी स्क्वाड जोन के अंदर नहीं है, इधर ओआरबी ऑफिशियल को पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। स्मोकी ने उधर ऑरेंज को नॉकआउट कर चुका था, ऑरेंज इधर क्लियर होता है कि नहीं। हिजो ने उधर गॉडेट कीकी को नॉक किया है, हिजो भी यहां पर नॉकआउट हो चुका है। दक्ष यहां पर टैप करके अपना किल सिक्योर करना चाह रहे हैं, अभी गॉड लाइक कमबैक कर रही है। अगर इस मैच में गॉड लाइक चिकन लेके जाती है, 9 किल्स ऑलरेडी हो चुका है, 13-14 किल्स तो वो लोग पॉइंट टेबल में बहुत ज्यादा कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि एक चिकन डिनर 20 पॉइंट्स एंड केस के साथ तो बहुत ज्यादा कमबैक होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी पॉइंट्स टेबल में एक चिकन डिनर से बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है टाइम पॉइंट टेबल में। बिल्कुल, यहाँ पे पहला चिकन डिनर होगा इनका। प्रिलिम्स में भी इन लोगों ने कोई एक चिकन डिनर निकाला था प्रिलिम्स में। एंड अभी अगर आप बात करो गॉड लाइक यहाँ पे थोड़ा सा बेटर पोजीशन में भी, एक हाई ग्राउंड है इनके पास, जोन भी है राइट साइड से, भले इंसीडियस के प्लेयर आ रहे हो बट यहाँ पे कीकी भी रेडी हो जाएंगे, माफे भी रेडी हो जाएंगे एक फाइट के लिए। बट पीछे से क्रॉन्टन को एंड उनके एक जो टीममेट है उनको फॉर श्योर एक कवर फायर और अच्छा सपोर्ट देना पड़ेगा। पुपू मैन यहाँ पे जोन के अंदर जाते हुए धीरे धीरे, एंड ह्यूजो को मेरे ख्याल से वो रेव नहीं दे पाएंगे। इंसीडियस के दो प्लेयर हैं वहाँ पे, कॉन्स्टेंट ग्रेनेड्स आ रहे हैं। जोकर बचे बाल बाल, उस गाड़ी के आगे एक ग्रेनेड था। एंड इट इज 2-4 सिचुएशन ओवर देयर, एंड पुपू मैन हैज बीन फिनिश्ड ओवर देयर। एलिमेंट्रीज का स्क्वाड यहां पे खत्म हो चुके हैं, टू टीम्स यहां पे बची हुई हैं। एंड कीकी को डैमेज अच्छा दिया, 2-4 सिचुएशन। क्या ये आईएनएस निकालेगी, क्या गॉड लाइक इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है यहां पे। एट सामने टीम नंबर 11 दैट इज गॉड लाइक के प्लेयर लेफ्ट साइड से अपने फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे थे। कीकी ओपी अच्छा वहां पे कवर है उनके पास, बट दक्ष फिनिश हो जाएंगे उस वाले सिचुएशन में। इधर गॉड लाइक के पास चांस है, कीकी अगर वो नेट जो कर रहा है वो कनेक्ट करने हो जाता है, इधर स्मोकी को नॉकआउट कर दिया जोकर अकेले बंदे बचे। जोकर एक टाइम पे लग रहा था बट उनके पास एक हाई ग्राउंड था, हाई ग्राउंड राइट फ्लैंक मारा उन लोगों ने। एंड फाइनल एक जो जो साउथ एशिया के जो फाइनल है वहां पे भी एक चिकन डिनर निकाला है। यहाँ पे गॉड लाइक के फैंस फॉर श्योर खुश रहेंगे, बिकॉज ये एक विन नहीं है, एक बहुत बड़ी एक विन इनको अपने खाते में। ये विन नहीं है गाइस, ये कुछ और है, वो बताएगा ये क्या है। केतन ब्रो बताएंगे अपने, ये किल्स भी हैं और जो स्टैंडिंग पॉइंट्स बहुत सही खेला गॉड लाइक, ऐसे खेलते हैं लेकिन वो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो इसके लिए मैं अभी जो परफॉर्मेंस दिया है बहुत मजेदार परफॉर्मेंस था। जीरो डिग्री की अगर बात करें उन लोग